हे गाइस, कैसे आप सब लोग? अच्छे और अच्छे बने रहना। तो गाइस, मेरी थोड़ी आवाज़ अलग आएगी क्योंकि मेरे को कोल्ड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा मैनेज करके चलना, ठीक है? तो आज का वीडियो हमारा इस पे होने वाला है कि आपका बैट है उसको आप लोग मजबूत कैसे रखो, क्योंकि क्या होता है, लोग नए बैट ले आते हैं, नॉकिंग कर लेते हैं, फिर भी टूट जाता है। तो उसका तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपका बैट कैसे ना टूटे, ठीक है, और मजबूत बना रहे ताकि आप उसको ईजिली लंबे टाइम तक चला पाओ। और ये गारंटी है कि आपका बैट नहीं टूटेगा, तो इसलिए ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखना। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसके लिए वीडियो है। और अगर यूजफुल लगता है वीडियो तो लाइक ज़रूर करना यार, और कमेंट करना और शेयर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए। सो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। सो गाइस, जैसे ये मेरा पुराना बैट है और ये मेरा है नया बैट, बट इसमें एक चीज़ सिमिलैरिटी है इसमें कि इसमें दोनों में देखो ये चढ़े हुए हैं, इस पर भी चढ़ा हुआ है, इस पर भी चढ़ा हुआ है। इसको इग्नोर करना, ये हैवी ट्रेनर है तो इसको यूज़ छोड़ दे रहा। मैं आपको बताता हूँ नए वाले में। तो देखो गाइस, नए वाले बैट में आपको नीचे गट्स लगवाने चाहिए, इस वाले पे नीचे टो पे लगवाने चाहिए हमेशा। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि जब नया बैट होता है तो हमेशा ज़्यादा उसका जो कमज़ोर एरिया होता है वो होता है उसका नीचे का टो। अगर आपके नीचे टो पे लगता है तो आपका बैट टूट जाएगा, और अगर नीचे से टूट गया तो आपका बैट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि यहीं से टूटने के बाद क्रैक यहाँ तक आता है। तो इसलिए हमेशा अगर आप लोगों की अच्छे से नॉकिंग नहीं हो पाई है और आपके पास थोड़ी सी कमी हो जाती है पैसों की, हमेशा गट्स चढ़वाओ। गट्स चढ़वाने से कोई नुकसान नहीं होगा आपके बैट पर, ये मेरी गारंटी है। वेट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगर आपका नया बैट है तो ऊपर मत चढ़वाना, नीचे चढ़वा लेना, और ऊपर बस नॉकिंग करता, नॉकिंग करोगे तो मजबूत हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है? तो इसलिए नीचे गट्स चढ़वाना। जैसे मेरा ये पुराना वाला है, ये जैसे मेरा पुराना वाला बैट है, इसमें मैंने ऊपर और नीचे दोनों इसलिए चढ़वाया हुआ है क्योंकि पुराना हो चुका है, ठीक है? और इस पर हल्का सा मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहा था नीचे, यहाँ पर दरारों के साइड लाइक टूट रहा था हल्का, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा, तो ये नीचे तक आ रहा था, तो इसलिए मैंने उस पर गट्स चढ़वा दिया है। और बाकी मेरे जो पुराने वाले, जो मेरे एडिडास वाले बैट हो, उस पर तो आप लोगों ने देख ही रखा होगा गट्स चढ़े हुए होते हैं हमेशा। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से गम यूज़ होते हैं। इसमें होता है रेजिन और हार्डनर के दो गम यूज़ करके इसे मिक्स करके इसे लगवाया जाता है। आप अगर आप लोगों का नया बैट है तो आप लोग उसको शॉप में देके बनाओ, शॉप में दोगे तो 50 रुपये एक गट्स का चलता है, एक इंच का। अगर आप लोग उसे घर पे लगवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर पुराना बैट है तो ही लगाना, नए बैट के साथ रिक्स मत लेना, क्योंकि ये लोग अच्छे से टाइटली लगाते हैं और आप लोग घर पे से टाइट नहीं लगा पाओगे। बट अगर पुराना बैट है तो आप इसको यूज़ लगाओ, वो दोनों गम को मिक्स करो और कोई सा भी एक अच्छा सा रस्सी लेकर, मतलब रस्सी मतलब वो नहीं, मांजा टाइप का, उसको लेकर आप टाइटली इसको रखकर गम से चिपका दो। एक हफ्ते तक इसको रखो अपने धूप में या छांव में कहीं भी रखो, सूख जाएगा, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तो उसके बाद ये टूटेगा नहीं, ये गारंटी है कि टूटेगा नहीं, तो उसे ध्यान रखना। बट अगर आपका नया बैट है तो उसमें रिस्क मत लेना, आप लोग उसे शॉप में ही दे दो, शॉप वाले इजी ला के दे देंगे, एक हफ्ते में आपका बैट घर पे आ जाएगा। ध्यान रखना ज़्यादा लंबा मत चढ़ाना, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ तक चढ़ा देते हैं, बट उससे कोई फायदा नहीं होगा। एक इंच का मैंने चढ़वाया है, बट आप लोग आधे इंच का भी चढ़वा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपका पुराना है तो आप लोग अगर आपको चढ़वा रहे हो तो ये ज़रूर ध्यान में रखना कि कभी भी यहाँ पर मत चढ़वाना, ठीक है? इधर चढ़वाना है या फिर इधर चढ़वाना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। बीच में तब चढ़वाओगे जब आप लोग दोनों साइड चढ़वा रहे हो, तो दोनों साइड आपको यहाँ पे भी चढ़वा सकते हो, बट अगर आपको यहाँ पे एक ही चढ़वाना है तो ऊपर चढ़वाना, कहीं बीच में मत चढ़वाना। जैसे कि आप लोग इस पे देख रहे हो, इस पे मैंने दोनों तरफ चढ़वा रखा है और एक नीचे चढ़वा रखा है। अगर आप बीच में चढ़वाओगे तो आपका बैलेंस हट जाएगा, तो आप लोग जब शॉट मारने जाओगे तो बहुत इधर उधर चला जाएगा, तो बॉडी पूरा एकदम वेट बनाने के चक्कर में आप लोगों को लिए इस पे भी आपको लगवाना पड़ेगा, वरना अदरवाइज ऊपर नीचे लगवा लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये आपको तीन लगवाओगे तो आपको 150 रुपये का अराउंड पड़ जाएगा, अभी इससे ज़्यादा पे मत करना। अगर आपको अपना बैट बहुत ज़्यादा सही रखना है तो कभी भी गीली बॉल से मत खेलना, वरना बैट टूट जाएगा, और कभी भी नए बैट के साथ नई बॉल से मत खेलना, वरना तभी टूट जाएगा। बिना नॉकिंग करे मत खेलना, नॉकिंग कैसे करना है आपको मैं अच्छे से आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो का ज़रूर इंतजार करना, उसे प्रॉपर बताऊँगा कि आपको नॉकिंग कैसे करना है नए बैट को, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चलो, और बाकी मैंने बोला था मेरे कोल्ड रखा तो इग्नोर करना है, ठीक है? और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।